नमस्कार, डू इट योरसेल्फ इंस्पिरेशन में आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। और आज मैं आपके लिए वॉशी टेप का ये फूल बनाने की तरकीब लाई हूँ। बहुत आसानी से बन जाता है, जल्दी बना सकते हैं आप, कई सारे प्रकारों में बना सकते हैं। छोटी छड़ी पे लगा के खिड़की पे सजा सकते हैं, दीवार पे टंगा सकते हैं, कार्ड पे लगा सकते हैं। तो मैंने ये कैसे बनाया ये जानने के लिए, ये देखिए, इसके लिए आपको चाहिए वॉशी टेप। फूल के डंठल के लिए हरा और फूल के हल्का डॉट्स के साथ लिया है मैंने। ये है पतली तार और ये है ऐसी लकड़ी पतली जो मैं डंठल जिसके हरे वॉशी टेप के साथ मैंने ये लपेट ली है। और अब मैं वॉशी टेप के टुकड़े करूँगी, 3 टुकड़े 25 सेंटीमीटर लंबे। तो ये इतना फूल बड़ा होता है अगर आप 25 सेंटीमीटर लंबा ले तो। अगर आपको छोटा चाहिए तो और छोटा भी आप बना सकते हैं। ये है वॉशी टेप मेरे, इसकी चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की है। और इसको मैं अब ऐसे चिपका दूँगी। तो गोंद की दोनों बाजू मैंने जोड़ ली है। अब दोनों बाजू जो है वो लाल हो गई है, ये अंत में कभी कभी ऐसा होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, ये बाजू हमें काटनी ही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मध्य में बीच में ये अच्छा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये तीनों मैंने ऐसे ही बना लिए हैं। अब ये ऐसा मुझे काटना है और गोल या फिर थोड़ा अलग आकार, जैसे मैं अभी दे रही हूँ, जैसे आपको फूल का आकार चाहिए वैसे ही आप इसको काट सकते हैं। तीनों को मैं बाजू से काट लूँगी अभी। और ये ऐसे मध्य से जोड़कर इसको ऐसा मोड़ दूंगी और नीचे से फिर आपको थोड़ा सा दबा देना है इसको। तीनों फूल के आकार ऐसे बना लूंगी मैं एक जैसे। तो ये तीनों पंखुड़ियाँ हो गई है मेरी। ये तीनों एक साथ अब मुझे बांधनी है और वो मैं पतली तार के साथ बांध लूंगी। ये ऐसे पतली तार के साथ बांधते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि फूल की पंखुड़ियाँ हैं उनको वो दब न जाए, उनका नुकसान ना हो जाए। उनका आकार जैसे है वैसा ही रहना चाहिए। और फिर पंखुड़ियाँ थोड़ी एक जैसे कर लीजिए। और फिर ये जो पतली यहाँ पे है वो मैंने काट दी है। और अब इसके डंठल के लिए ये जो मैंने बनाया था वो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया है। तो ये बन गया हमारा फूल जैसे कि आप देख रहे हैं। और अगर आपको भी ये फूल पसंद आया, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। बहुत सारे वीडियोज़ हैं वो भी वीडियोज़ देखिए, कमेंट्स में लिखिए आपको ये तरकीब कैसे लगी। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।